जय भीम साथियों मैं अनस आज मैं उपस्थित हूँ मांगीपुर जनपद वाराणसी में यहाँ पर आ, मैंने देखा पूरा बहुजन समाज आज रात में इकट्ठा है और कैडर कैंप हो रहा था यहाँ पे एक जागरूकता मिशन हो रहा था जो भी चौदह अक्टूबर को जो बाबा साहब ने धम दिशा ली थी लाखों अनुयायियों के साथ तो इसी पर चर्चा हो रही थी और बहुजन समाज के प्रति एक जागरूकता फैलाई जा रही थी और जो ये जागरूकता कर रहे थे ये भारतीय भीम गर्जना के संस्थापक जी सिंह से मैं बात करूंगी और जानूंगी कि उनका ये जो लोगों को बहुजन समाज को पूरा ये जागरूक करने का उद्देश्य क्या था जो अपनी ये कैडर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है और आज यहाँ पर जो ये संस्कृति पर जो ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर कैडर लिया गया पूरे गांव की महिलाओं पुरुषों के साथ इसका आखिर उनका मेन उद्देश्य क्या था सर जय भीम जय भीम सर ये आपने जो भी आज प्रोग्राम किया यहाँ पे संस्कृत जो अभी हमारे चौदह अक्टूबर को जो होने वाला है धमदीछा जो बाबा साहब ने लिया था उस पर जो आप लोगों ने ये सांस्कृतिक जो ये डाला है बहुजन समाज के दिमाग में आज इसका मेन उद्देश्य क्या था कैसे आपके दिमाग में आया कि बहुजन समाज को इसके प्रति भी जागरूक करना चाहिए क्योंकि आज तक तो, तो ऐसा कोई सोचता नहीं है इतने संगठन है लेकिन इसके प्रति कोई जागरूक नहीं किया लेकिन आपने एक पहल चलाई है इसका कारण क्या है बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा पूरी और आपकी पूरी जो है न्यूज़ चैनल को कि आप इतने दूर से लखनऊ से चलकर किस वाराणसी जनपद में आ पाई तो आपका इस सारनाथ की धरती पे मैं बहुत अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुजन समाज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है हालांकि इसका फाउंडर मैं नहीं हूँ मैं बी का फाउंडर हूँ यह कार्यक्रम माननीय आर के इंदिरा जी के द्वारा जो कि बहुत विद्वानों की रिसर्च से बहुत विद्वानों पर चर्चा करने के बाद यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कि आप सब जानते हैं पूरा बहुजन समाज जानता है पूरा देश जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर उन्नीस को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था बौद्ध धम्म का जो अभिप्राय है आप सब जानते हैं बुद्धि से है ज्ञान से है प्रकाश से है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस दिन दीक्षा लेकर के हमारे बहुजन समाज के यानी इस देश के सभी मूल निवासियों के लिए एक धम्म दिया था एक प्रकाश दिया था यानी ज्ञान का दिया जलाया था तो उस पर्व को एक महापर्व के रूप में मनाने के लिए हम लोग गांव-गांव कैडर कर रहे हैं ताकि लोग बाबा साहब को जान सकें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को जो दीक्षा लिया था उसका उद्देश्य क्या था या 14 अक्टूबर को आखिर ऐसा क्या है आप जानती होंगी कि इस देश में तीन तरीके के नेशनल प्रोग्राम हैं स्वतंत्रता संग्राम है स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है और दो अक्टूबर है लेकिन कहीं कहीं आप देखती होंगी कि जो बहुत बड़े बड़े महान काम किए हमारे महापुरुषों ने किए महा हमारे वीरांगनाओं ने किए जैसे शिक्षा दिवस की अगर शिक्षा दिवस की बात की जाए तो इस देश में सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा की देवी कही जाने वाली जो है कि सावित्री बाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी उन्होंने जो है सबसे पहले आंदोलन चलाया ज्योतिबा राव फुले जी ने बहुजनों को पढ़ने के लिए पहला स्कूल खोला उन्नीस सौ में जो है कि महाराष्ट्र में पुणे में लेकिन उन पर शिक्षा दिवस शिक्षक दिवस न मना करके किसी अन्य बहुत सारे ऐसे लोगों को पर जो है कि शिक्षक दिवस मनाया गया तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी मूल संस्कृति है जिससे हमारे देश को बरगला दिया गया हमारे समाज को भटका दिया गया है उस संस्कृति को जो हमारी श्रमण संस्कृति है हमारे बौद्धों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम अपने महापर्व को जानें कि हमारा अपना महापर्व क्या है क्यों क्योंकि इस देश में देखिए दो ही संस्कृतियों की लड़ाई है वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति हम वैदिक संस्कृति के लोग नहीं हैं हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों का सारा पर्व अलग है हम कहीं न कहीं जाने अनजाने में हम अपने महापुरुषों के हत्या का पर्व मनाते चले आए उनकी जो हत्याएं हुई इन विदेशी आर्यों के द्वारा जो इस देश में हमारे आए हमारे महापुरुषों को आपस में लड़ा कर, उनकी हत्या की गई और उनकी हत्या पर इन्होंने जश्न मनाया और जश्न मनाकर उसको त्यौहार का नाम दिया तो प्लस हार अगर आप करेंगे तो उसको आता है त्यौहार यानी हमारी हार का जश्न वो मनाते हैं और उसे हमारा बहुजन समाज लिप्त होकर के अपने ही महापुरुषों के कत्ल का अपने ही महापुरुषों के खून का वह पर्व मनाता है तो यह चौदह अक्टूबर इस देश के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति का काम करेगा कि चौदह अक्टूबर को हम लोग जो है जो ये दीक्षा महोत्सव मनाने जा रहे हैं और पूरे भारत में जो है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है आपके इटावा से मैनपुरी से अम्बेडकर नगर से बहुत सारी जगहों से शुरुआत हो चुकी है और इस चौदह अक्टूबर को जो है हम लोग एक विशेष अपना पर्व मनाना चाहते हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ज्ञान का दिया जलाया था और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि पूरे भारत में यह ज्ञान का दिया जले और चौदह अक्टूबर को हम लोग जो है कि एक अलग पहचान दें सर एक बात मैं और जानना चाहूँगी कि आ, द, आ, दोस्तों मैं बताना चाहूँगी आपको हमारे साथ जियाल सिंह जी हैं जो हमारे खास मेहमान हैं आज के तो जियाल सिंह जी के बारे में मैं स्टार्टिंग में बता नहीं बताया ले मैं इस बता ये बताना चाहती हूँ कि जीएल सिंह जी एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे बहुजन समाज को पूरी ईमानदारी के साथ जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हर वो मुहिम कर रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो और उसके प्रति लड़ना सीखे, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति लड़ना सीखे, एक सच्चाई के साथ जीएल सिंह जी खड़े हैं पूरे बहुजन समाज के साथ पूरी ईमानदारी के साथ तो और मैं सर यह जानना चाहूँगी कि अभी आप लगातार कैडर देते रहें पूरे बहुजन समाज को जागरूक करते रहें लेकिन कुछ बीच में ऐसा आपने कैडर देना एकदम से बंद कर दिया था तो उसका मूल कारण क्या था ऐसा क्या था कि उसका असर भी काफ़ी पड़ा पूरे बहुजन समाज पर आपको भी लोग याद करते हो बुलाएँ भी लेकिन कुछ ऐसा क्या था कि रीज़न क्या था कि आपने एकदम से कैडर देना बंद कर दिया एक्चुअली देखिए रीज़न तो बहुत कुछ ख़ास नहीं था बस यह है कि कुछ पर्सनल अपनी ज़िंदगी की बातें थी और हालांकि जानती हैं कोई भी घटनाएं व्यक्ति को जब घटती हैं तो उस घटनाओं से व्यक्ति सीख मिलता है हाँ कहते ना एक शब्द अक्सर मैं कहा करता हूँ लोगों को जो है कि इंसान के दो बातें होती हैं कहते ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आ, किसी झूठ को सच समझते हैं और कोई ऐसे होते हैं जो कि हर झूठ को सच समझते हैं तो जहाँ पे भरोसा न हो तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें बहुत उथल पुथल हो जाती हैं बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं तो ऐसा ही होता है कि समाज में अगर हम लोग निकल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का कर सामना करना पड़ता है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सामना किया और आप जान रहे होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ ही काजुलकर चुनाव लड़ गया था जो उनका चपरासी था मानवर कांसी राम साहब के साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई और जो भी हमारे महापुरुष हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और कहीं कहीं ये घटनाएं व्यक्ति को एक उठने का और सीखने का मौका देती हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने का मौका मिलता है तो बीच में कुछ चीज़ें जो है हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के जो है और इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैं अपना मैंने अपने आप को थोड़ा सा रोका था और कुछ अध्ययन भी मैं कर रहा था क्योंकि देखिए कभी न कभी होता है ना कि जैसे कहते हैं कि हम शांत होते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है हम कैडर ना दें या हम बाहर ना निकलें तो इसका मतलब नहीं होता है कि हम आ, उस मिशन से हट गए हैं हटना नहीं होता है बस ये होता है कि उस पर थोड़ा सा और गहन अध्ययन कर रहा था मैं रिसर्च कर रहा था और बहुत सारे लोगों से मेरी गोपनीय बैठकें भी हुई मीटिंग भी हुई जिसमें एक रिसर्च कमेटी भी हम लोगों ने तैयार किया थिंक टैंक भी तैयार किया तो मैं फील्ड में तो बहुत सारे लोगों से मेरी जो है मुलाकात हुई और इसलिए मैंने भारतीय भीम गर्जना संघ का एक थिंक टैंक तैयार करने की पूरी कोशिश की है कि ताकि एक प्रबुद्ध वर्ग जिसमें कि लॉयर हैं डॉक्टर हैं रिसर्चर हैं प्रोफेसर्स हैं ऐसे नौ लोगों की कमेटी भी तैयार की उसमें भी मेरा समय काफ़ी गया और बाकी और विशेष कुछ ऐसा नहीं था लेकिन लोगों को लगा जरूर नहीं हमने कैडर छोड़ दिया है या लोगों को बताना छोड़ दिया है ऐसा कुछ भी नहीं था लोगों को ऐसा लगा लोगों को अपनी अपनी मनसा थी लोगों ने ऐसा कहा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हाँ ये है कि कुछ उसमें कुछ विषम परिस्थितियाँ आई जिसमें मुझे अपनों की पहचान हुई मेरे साथ कौन खड़ा है कौन मेरे साथ अब तक चलता था दोस्त के रूप में मेरा दुश्मन था ऐसे लोगों की मुझे पहचान हुई और कहीं न कहीं आज मैं जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ और आपको बता दूं कि 22 तारीख की रात से जो 23 तारीख की जो सुबह आई वह सुबह मेरी जिंदगी की एक ऐसी किरण थी जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं अपने आप को बहुत बड़ा गर्वान्त महसूस कर रहा हूँ कि मैं फिर से उसी ऊर्जा के साथ अपने साथियों के साथ रवि जी हैं और बहुत सारे लोग हैं दीपशिखा जी हैं और बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया आदड़ी गुरु प्रसाद मदन जी ने और भंते जी ने जो है कि हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत कुछ समझाया सिखाया कि कैसे काम करना है तो फिर से मैं आज समाज में लगा हूँ बहुत आ, सर एक एक क्वेश्चन और ए, सर आपको देख लाखों लोग देख रहे हैं आपको पूरा देश इवन देख रहा है आपको आ, तो हमारे चैनल के माध्यम से चौदह अक्टूबर के दिन आप पूरे बहुजन समाज को इवन पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे जी मैं अपील करना चाहूँगा इस बहुजन समाज को और खासकर जो हमारे देश के मूल निवासी संस्कृति है मूल निवासी समाज के लोग हैं भाइयों से मैं यही मेरा अपील है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी रहिए अपने गांव में उस दिन रहिए अपने घरों पे रहिए और जो दीक्षा दीप महोत्सव मनाने का जो हम लोगों का प्लान है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं तो सारे के सारे लोग अपनी संस्कृति को ज़िंदा करने के लिए दीक्षा दीप महोत्सव मनाएं और उसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होना है बस अपने घरों को दिया से सजाइए अपने घरों को साफ सुथरा करिए और जो पटाखे वगैरह आप फोड़ते हैं उसकी जगह पे आप बच्चों को पेन और किताब जोड़िए क्यों क्योंकि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताई है तो कलम और अगर पेन कॉपी और पेन अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चा भी आपका खुश होगा और दूसरी चीज़ और अगर आपका पुरुषार्थ अगर हो सके तो अपने पड़ोसी के भी बच्चों को दीजिएगा जिससे पड़ोसी का भी जुड़ाव आप आपके साथ होगा और यह दीक्षा दीप महोत्सव जो हम लोग मनाया जा रहा है जो मनाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और 500 सौ गाँव का हमारा टारगेट है कि बी के नेतृत्व में तो 500 सौ गाँव से टारगेट रखा गया है उसको मनाया जाएगा तो यह हमारा सफल हो पाएगा और हम पुनः अपनी संस्कृति में लौट पाएंगे जो हमारी समर्थ संस्कृति इस देश की तो बहुजन समाज के सभी युवाओं से खासकर युवाओं से मेरा अपील है कि भाइयों और बहनों जो भी हमारी इस बात को देख रहे हैं आप सब लोग अपने चौदह अक्टूबर को त्रिसरण पंचशील और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बाईस प्रतिज्ञाओं को दोहरा करके अपने घरों पर दिया जलाइए और दिया जलाने के साथ साथ मिठाइयाँ बाँटिए जो भी पर्व आप कर सकते हैं उसको करिए और बच्चों को अपनी किताब कापी पेन बाबा साहब की पुस्तकें महापुरुषों की पुस्तकें जनरल नॉलेज की चीज़ें ये सब वितरित करिए निश्चित रूप से आने वाले दो पाँच साल दस साल में आप देखेंगे इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आधुनिक भारत का सपना बाबा साहब ने देखा था और महापुरुषों ने देखा था वह आधुनिक भारत का सपना बहुत जल्द साकार होगा और हमारे पूरे देश में जो हम जातियों में बैठे हैं चमार पासी धोबी धिकार में बैठे हैं ना आपसी एक सौहार्द पैदा होगा और फिर से भाईचारा कहतना समता स्वतंत्रता और बंधुता जहाँ पे आ जाए तो न्याय झक मार करके उसके पीछे आ जाएगी जिस दिन समता आ गई जिस दिन स्वतंत्रता आ गई और जिस दिन बंधुता आ गई हमारे आपस में भाईचारा जिस दिन पैदा हो गया यादव मौर्य के यहाँ मौर्य हरि गढ़िरिया के यहाँ पासी चमार के यहाँ बैठना शुरू कर दिया आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित शुरू कर दिया उस दिन से परिवर्तन होगा तो यही मेरी अपील है फिर से कि चौदह अक्टूबर को आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं जहाँ से भी देख रहे हैं अपने गाँव को पूरा दीप से एकदम प्रज्वलित करिए और वो दीप कैसा ज्ञान का दीप होगा आप कंडिल जलाइए दिया जलाइए और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए बहुत बहुत साधुवाद सर आपने हमारे चैनल पे अपना इतना कीमती समय दिया आप देख रहे थे हमारे साथ खास मेहमान थे भारतीय भीम गर्जना के फाउंडर जी.एल. सिंह जी सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर